हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम शर्मा एंड यू आर वाचिंग ऑल इन वन शुभम। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज अपना नेशनल कंपटीशन है और मैंने व्लॉग बनाऊंगा, तो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ व्लॉग बनाना। एक्चुअली हम अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में अपना लाइव सेशन चला है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं आया हूँ और अभी मैंने चेंज भी नहीं किया। अभी हमने जर्सी मिलेगा, ब्लेजर वगैरह सब कुछ मिलेगा हमारा, बट अभी हम आए हैं तो मैं सोचा कि अभी से स्टार्ट कर दिया जाए व्लॉग। वी आर एट द होटल नोवोटेल, आप लोग देख सकते होंगे होटल का। गाइस, 5-स्टार होटल है, जैसे हमें प्रॉमिस किया गया था, फेडरेशन ने प्रॉमिस किया था, इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन ने, कि आप हर एक प्लेयर को 5-स्टार होटल ही मिलेगा। तो मैं दिल से वाकई में इज्जत करता हूँ कि हमें 5-स्टार होटल मिला है, और यह है वो होटल। फिर से देखिएगा गाइस, यह है वो होटल, होटल नोवोटेल चेन्नई। फिलहाल अपन लोग एंटर करते हैं यहाँ पर होटल में। सो गाइस, हमें घुसते साथ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स दिख रहे हैं, अभी अपन लोग होटल में सबसे पहले एंटर करेंगे, तो मैं अब आप लोग को एंटर का दिखाऊंगा कि एंटर कैसे करते हैं। सो गाइस, वी विल बी बैक। और ये गाइस हमारा आ चुका है एंट्री गेट। यहाँ पर अपन लोग को सामान पर चेक कराना पड़ता है कि कुछ गलत चीज़ें तो नहीं रखे हैं। देखिए, सामान चेक हो रहा है, हमें मिलेगा, पूरा लगभग एयरपोर्ट टाइप का सिस्टम है। और अब हम चलते हैं अंदर। सो गाइस, ये आ गया हम अंदर। सो गाइस, हम अंदर आ चुके हैं और फिलहाल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप देख सक रहे होंगे कितने भीड़ लगी है, अभी कुछ देर पहले चालू हुआ रजिस्ट्रेशन होना। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ प्रोसीड कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक कंट्री, मतलब पूरे कंट्री से, हर एक स्टेट से प्लेयर आए हुए हैं। अब भीड़ देखिए गाइस, ये सब यहाँ पर प्लेयर है, कोई यहाँ पर झक मारने नहीं आया गाइस। हर क्या बॉडी देख के पता कर सकते हैं। एक और पॉइंट बता दूँ, हर एक स्पोर्ट्समैन को अपन लोग नहीं पहचान पाएंगे, कोई क्रिकेटर को अपन देख के नहीं पहचान सकते, लेकिन एक बॉडी बिल्डर को बताने की ज़रूरत नहीं रहती कि वो बॉडी बिल्डर है या फिर जो भी, क्योंकि उसकी बॉडी खुद ही कहती कि वो एक बॉडी बिल्डर है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर खुद खड़े हैं। हेलो सर, सर वेयर यू फ्रॉम? ओके ओके सर, योर नेम? नितिन। ओके, सो हमारे साथ यहाँ पर नितिन जी, जो कि आज कॉम्पीट करने वाले हैं, और उनके साथ पूरी टीम है, उनके फ्रेंड्स। सर योर नेम? श्यामवीत सर भी यहाँ पर है, और सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से, ऑल द बेस्ट सर सबको। सो गाइस, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है हमारा, और यहाँ पर सबको आई कार्ड्स मिलेंगे। सो गाइस, ये हमारा बैनर लगा हुआ है 12th मिस्टर इंडिया का, जो कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। IBBF जो मैं फेडरेशन का नाम लेता था, वही ये फेडरेशन है। और गाइस, ये बहुत अच्छे, देखिए आप पूरा सब कुछ लिखा हुआ, तमिलनाडु अमेचर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। यहाँ का जो तमिलनाडु का भी जो लोकल एसोसिएशन है, वो भी इसमें अपना मदद कर रहा है हमें। सो गाइस, हमें यहाँ पर एक प्लेयर मिल गए हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करने आए हैं। सर, आपका शुभ नाम? अजीत सिंह जम्बॉल। अजीत सिंह जी, सर आप कहाँ से हैं? जम्मू से, JNK से। गाइस, JNK से है गाइस। देखिए, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि बहुत कुछ लोगों के कारण पूरा JNK बदनाम है, लेकिन देखिए हमारे पास अजीत सिंह सर जैसे लोग भी हैं जो कि आज भी गाइस, इनका बॉडी का कंडीशनिंग देखिए गाइस, कितना तगड़ा कंडीशनिंग किए हैं। तो सर, आपको मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बॉडी आसानी से ऐसे नहीं मिलते सर। आप लोगों को मैं सुना हूँ ऐसे कि सॉल्ट मैनिपुलेशन, वाटर ड्रॉपआउट, ये सब करना पड़ता है। सर, दो दिन हो गए वाटर छोड़े हुए हमें। देखिए गाइस, दो हफ्ते हो गए कार्ब्स छोड़े हुए हमें। गाइस, दो हफ्ते से इन्होंने कार्ब्स छोड़ा। मैं ये बता दूं, कार्ब्स से अपन लोगों को बहुत एनर्जी मिलती है, और सोचिए ये लोग कार्ब्स छोड़ दिए, दो दिन से पानी नहीं पिए। इस गर्मी के मौसम में आप लोग 2 घंटे छोड़ते तो हालत ख़राब होता, इन्होंने 2 दिन से पानी नहीं पिया गाइस, तभी इतना अच्छा बॉडी का कंडीशन बन चुका है। और सर, आप कौन से कैटेगरी में खेल रहे हैं, वेट कैटेगरी? सर अभी तो 62 वेट आ रहा, अभी देखते हैं तोड़ते हैं अगर कितना था, 60 kg में, नहीं तो 65 kg में जितना वेट आएगा। ओके ओके, अभी फिलहाल इनका वेट 62 kg, बाकी अभी और ड्रॉप करने की कोशिश करें। खैर, जैसे भी होगा, मैं आप लोग के लिए, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ सर, आपका जरूर मेडल लगे। और इनकी मेहनत देख के और इनका बॉडी कंडीशन देख के लग रहा है कि इनका आज बहुत अच्छा पोजीशन लगने वाला है। बाकी ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, वी विल बैक सर। थैंक यू। सो गाइस, फिलहाल हम जा रहे हैं खाने, बहुत ज़ोर से भूख लगी, और ये मुझे मिल गया है टोकन खाने के लिए। अब बहुत ज़्यादा जम के भूख लगी, अब बस खाऊँगा, मैं जम के खाऊँगा आज। सो गाइस, अब खाने वालों में खाना, मैं अपना खाना ले लिया हूँ, और मेरे खाने में बहुत ही अच्छा चीज़ भी है और थोड़ा बहुत गंद चीज़ भी है, थोड़ा बहुत चलता है आज के दिन। देखिए,
आपको सामने दिखाता हूँ मेरा खाना क्या क्या है। मेरे पास है रोटी, रोटी के बगल में ब्राउन राइस का पुलाव, उसके साथ है चिकन और उसके साथ सैलड विथ ऑलिव ऑयल, और बीच में है कर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कर्ड के बीच में चिकन के उससे एक टिकली भी लग गया। बहुत ज़ोर से भूख लगा, मैं खाने जा रहा हूँ इस बाद में मिलता है बाबा। अच्छा इस पता मास्टर शेफ में कैसे करते हैं, सोचिए कि मैं शेफ हूँ, ये लेंगे एकदम छोटा छोटा लेंगे, एकदम ही छोटा सा थोड़ा सा ये, और फिर ऐसे इट्स रियली अमेजिंग रियली, ये सुंदर, अब चलते हैं रूम की तरफ। ट्राइपॉड को मैंने टांग लिया है AK-47 की तरह, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है। हाँ ये है अपना AK-47 और ये मैं और ये अपना ट्रॉली। अब चलते हैं अपन लोग रूम की तरफ। और रूम नंबर देखना ही भूल गया, रूम नंबर 615। हाथ में पकड़े पकड़े हाथ दर्द देने लग जाता है गाइज। 615, 613, 614, 615 है ही नहीं यार, मेरा नंबर कहाँ पर है? 6 नंबर 14 के बाद 16 आ गया, 15 मिल गया। एक अकेले हार्ट में सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कार्ड ओके, फाइनली मेरा रूम खुल चुका है, मैं जा रहा हूँ गाइस अंदर। और ये अपन चल दिए अंदर, और ये हूँ मैं शुभम शर्मा। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ऑल इन वन शुभम, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे व्लॉग लेकर आते रहूँगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। अंधेरा है बहुत रूम में, पर लाइट आ जाएगा। सो गाइस हम रूम में आ चुके हैं, अब मैं हटाता हूँ पर्दा। ठीक ठाक ही व्यू है, गंदा तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक है। वो देखिए वहाँ पर एक अंकल पेड़ में पानी डाल रहे हैं। सॉरी गाइस, पेड़ में नहीं घर में पानी डाल रहे हैं, लगता है नया नया घर बना रहे हैं, अच्छी बात है, घर को मजबूत करते हैं। तो जैसे कि अंकल घर को में पानी डाल के मजबूत कर रहे हैं, अपन भी अपने आप को पानी डाल के यानी नहा के मजबूत कर लेते हैं गाइस। तो नहाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस मैं रेडी हो गया आप लोग के लिए व्लॉग शूट करने के लिए। वेंग का मैं जैसे कि बोला था व्लॉग शूट करूंगा वेंग का। और ये देखिए आप मेरे को, मैं हो चुका हूँ पूरा रेडी, आई एम ऑन ऑल फॉर्मल्स। और ये मेरा आई कार्ड IBBF का, ये मेरी IBBF की टाई। और अब हम चलते हैं बाहर ताकि मैं आप लोग के लिए व्लॉग पूरा शूट कर सकूँ वेंग का आज। हो गए गाइज, अब हम चलते हैं, अपना रूम वगैरह सब लॉक कर देता हूँ गाइज। बहुत ज़्यादा गाइज गाइज बोल देता हूँ ना, सच में आप लोग गाइज तो नहीं हो, गाय भैंस मजाक कर रहा था यार, जस्ट किडिंग, बुरा मत मानिएगा। चलते हैं अपन लोग रूम लॉक। सो गाइज अब हम जा रहे हैं, मैं हूँ 6th फ्लोर में अभी फिलहाल, और विंग वगैरह सब कुछ चल रहा है 2nd फ्लोर में। तो अब हम जाएंगे 2nd फ्लोर में ताकि मैं अच्छे से सबका ले सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं। सॉरी मेरे को कैमरा पकड़ते पकड़ते हाथ दर्द दे रहा है, बट कोई नहीं, मुझे मेरा काम पूरा करना है आप लोगों के लिए गाइस। तो देखते रहेगा, अब भी मैं आगे दिखाऊंगा कि विंग कैसे लेते हैं। मिस्टर ललित नेता सिंह वो ले लिया है एक। गाइस देखिए हमारे पास यहाँ CRPF सेंटर, जो पुलिस फोर्स के एक बहुत बड़े ऑफिसर है, वो भी बॉडी बिल्डर ही है और बॉडी बिल्डिंग के लिए ही आए हैं गाइस। और यहाँ हमारे सब कैंडिडेट्स खड़े हैं।
ऐसे करके लो। हाँ ले लिया, साइड से ले रहा उधर से लेने के बाद। ठीक करते जाओ, उधर पे हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर टीम महाराष्ट्र का चल रहा है वेइंग देने के लिए, सब रेडी हो रहे हैं। देखिए मेल बॉडी बिल्डर्स को देख लीजिए गाइस, महाराष्ट्र को बॉडी बिल्डिंग का नींव माना जाता है, यहाँ से ही मैक्सिमम बॉडी बिल्डर निकलते हैं। एंड आज सुमित जाधव विद अस गाइस, एंड वी हैव फीमेल बॉडी बिल्डर टू। Yeah.